आप देख रहे हैं न्यूज 14 और मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है टॉप 10 न्यूज। एक देश एक चुनाव पर केंद्र का बड़ा कदम, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई समिति। हैदराबाद में रक्षाबंधन पर भाई ने किडनी डोनेट कर बचाई बहन की जान। स्कूल में प्रताड़ना से तंग आकर 14 साल की छात्रा ने लगाई फांसी, दो टीचर पर केस दर्ज। छात्रा की मां ने एसपी को बताया कि 4 अगस्त को उनकी बेटी को प्रताड़ित कर क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया था। उसने सुसाइड नोट में जाति सूचक शब्दों से तंग आकर जान देने की बात लिखी है। फ्रांस 3 सितंबर तक अपने सैनिकों को देश से निकाल ले, नाइजर सुरक्षा राष्ट्रीय परिषद की चेतावनी। अमेरिका ने विदेशी सहायता के कार्यक्रम के तहत ताइवान को पहली सैनिक मदद की मंजूरी दे दी, चीन से बढ़ेगा तनाव। इंडिया गठबंधन में कौन बनेगा संयोजक, आज होगा फैसला, मिशन 2024 फतेह की रणनीति तैयार। महाराष्ट्र के पुणे जिले में रक्षाबंधन के दिन दर्दनाक हादसा, पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बहन की मौके पर ही मौत हो गई, भाई घायल हो गया। मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल, जालना समेत 3 जिलों के गांवों में बंद का आह्वान किया गया। पिंपरी में लंपी का प्रकोप रोकने के लिए 3 टीमें, लंपी के बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए महानगर पालिका ने 3 टीमें नियुक्त की है। डोंबिवली में रक्षाबंधन मनाने गए एक परिवार के घर में लूटपाट, रक्षाबंधन के मौके पर बाहर गए एक परिवार के घर में बुधवार की दोपहर चोरों ने डाका डाल दिया, चोरों ने घर से 7 लाख की लूट की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।